अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की डेली मार्केट एनालिसिस और फोरकास्ट की वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे दिए हुए एनालिसिस से फायदा हासिल हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बखबर पहुंच सके। तो दूसरा, हमने इसके अलावा हमने एक लर्निंग सीरीज भी स्टार्ट किया और उसकी सेकंड वीडियो आज इंशाल्लाह अपलोड होगी, आप वो भी लाजमी देखिएगा। तो उसके बाद अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें हम डेली 3 से 4 गोल्ड और मेजर करेंसी पेयर के सिग्नल शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर SLOTP के साथ कंफर्मेशन के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल्स में आज मार्केट में $1 की हाई इंपैक्ट न्यूज है। न्यू होम सेल्स ये भी एक हाई इंपैक्ट न्यूज है, जिसके अकॉर्डिंग गोल्ड बेरिश है। न्यूज की फोरकास्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड बेरिश है, तो इस न्यूज के पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चार्ट पर आने के बाद आप देख सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट काफी देर से आपके साथ ये एरिया शेयर किया था कि इस एरिया से प्राइस वापस बाउंस बैक हो सकती है। कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी और कल की वीडियो में भी मैंने आपको यही एरिया बताया था, यही जोन बताया था। कल और परसों की वीडियो में कमेंट्स में कुछ भाई कह रहे थे, सर आप सेल ना करवाइएगा, गोल्ड बुलिश है, गोल्ड यहाँ से बाय होगा, इस एरिया को ब्रेक कर देगा। लेकिन मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कहा ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं तो यहाँ से सेलिंग ही देख रहा हूँ, आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर, लेकिन मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से सेल ही देख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमारे एरिया को अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी। हमारा फर्स्ट टीपी ये एरिया था, मैंने कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। तो अब मजीद एंट्री फाइंड करने के लिए H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपके पास अब ये एक सेलिंग जोन है। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है, डेफिनेटली प्राइस इस एरिया पर आ सकती है। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है, यहाँ से आप कोई कंफर्मेशन देख के सेल कर सकते हैं, जिसका टीपी आपके पास ये फर्स्ट ये एरिया हो सकता है। तो आप इस एरिया से सेल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद करिएगा। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट गोल्ड के एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट यूरो के चार्ट पर चलते हैं। यूरो के H4 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद ये भी कल जोन मैंने आपके साथ शेयर किया था। कल मैंने इस जोन पे इस एरिया से एक ट्रेड ली थी, कल की वीडियो में देख सकते हैं, एग्जैक्ट मैंने यही एरिया आपको बताया था, आप इस एरिया से सेल कर सकते हैं इसके हाई कैसे रख के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जोन हमारा अच्छा खासा चला है। H4 के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल हमारा कोई सेलिंग जोन नहीं है। यूरो में एंट्री फाइंड करने के लिए H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप यूरो में हमें इस एरिया से एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली है यूरो यूरो के टाइम फ्रेम में। लेकिन मैं आपको अब मजीद सेलिंग एरिया यूरो के लिए, आप इस एरिया से एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है, तो यहाँ से कंफर्मेशन देखने के बाद आप इस एरिया तक अपना टीपी फाइंड रख सकते हैं। ये हमारा आपका टीपी फर्स्ट टीपी होगा। ये थे हमारे शॉर्ट गोल्ड यूरो के एनालिसिस। तो चलिए नेक्स्ट पेयर पे, जो कि GBP USD है। GBP USD में मैं ऑलमोस्ट जब मार्केट इस एरिया पर थी, तो मैं आपको कह रहा था कि आप एक अच्छी सेलिंग के लिए इस एरिया का वेट कर सकते हैं, इस एरिया का। तो प्राइस अभी भी मैं इस एरिया का ही आपको रिकमेंड करूंगा एक अच्छी सेलिंग, लॉन्ग टर्म सेलिंग देखने के लिए। यहाँ तक आप इस एरिया का वेट कर सकते हैं। तो अब मजीद एंट्री फाइंड करने के लिए H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं स्कैल्प फाइंड करने के लिए। H1 के टाइम फ्रेम पे भी कोई खास हमारे पास इस टाइम जोन नहीं है फॉर बाइंग सेलिंग के लिए। आप उम्मीद है कि आज मार्केट इस एरिया को टच कर दे, तो आप इस एरिया से फिर एक सेलिंग फाइंड करके फिर वहां से एक लॉन्ग टर्म एंट्री ले सकते हैं। ये आपका टीपी होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग एंट्री मिल सकती है अगर कंफर्मेशन मिले जोन में। देन अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो आप इस जोन को स्किप कर सकते हैं, कंफर्मेशन लाजमी है जोन के, हर जोन पे। तो ये थे आज हमारे शॉर्ट एनालिसिस की वीडियो। तो चले मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।